खट्टा खट्टा जवान वापस आ गया। भाई ने सवाल किया कि फूड जो डाइट है कैसे प्लेयर के लिए, आई थिंक प्लेयर के लिए जैसे उन्होंने कहा कि ये स्कूल में जा रहे हैं बच्चों को ये वैसे ही सिखा रहे हैं कि क्या डाइट आपके लिए ज़रूरी है, जो मतलब बड़े होंगे स्पोर्ट्स खेलेंगे तो आपको क्या चीज़ें चाहिए। आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब आपको किसी चीज़ की अवेयरनेस होती है तो आप फिर वैसे ही फिट हो रहते हैं और वो आपको लॉन्ग टर्म में काम आता है। तो आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इस सबको हमने हम सब ने इस पर अप्रिशिएट करना है। और लाहौर के अंदर सिर्फ ये नहीं कि क्रिकेट के लिए, ये एक फैमिली है जैसे आते हुए निकाह, और इस फैमिली के साथ बहुत लोगों की दुआ बहुत लोगों का प्यार है। तो वंस अगेन इस इनिशिएटिव के लिए हम सब की तरफ से गुड लक है आपको, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट टर्म में मैंने वर्ल्ड कप खेला था। ऑफकोर्स हर टाइम हम पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं, ये जान पाकिस्तान की कुर्बान है। पीएसएल तो अभी बहुत दूर है, सबर करें इंशाल्लाह दो तीन वीक्स में आपके सामने। एक दफा टाइटल जीते दोबारा भी जीते। कैंपेन का टाइम स्पैन क्या होगा और तमाम सरकारी स्कूलों को टारगेट किया जाएगा लोगों को अवेयरनेस देना, एक बड़ा डेड एरिया है न्यूट्रिशन के हवाले से, एक्सेप्टेंस लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपकी, किस तरह कैंपेन करेंगे? देखें ये कैंपेन बेसिकली सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है, ये तमाम बच्चों के लिए है, तमाम नौजवानों के लिए, सरकारी स्कूल भी शामिल है, प्राइवेट स्कूल भी शामिल है और तमाम नर्सरीज शामिल है। स्कूल में भी क्रिकेट चल रही है अभी, सो बेसिकली अवेयरनेस जनरेट करना, उनकी न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग करना, वो भी हम स्टार्ट कर दी है हमने। ये प्रमोशन की बात नहीं है ऑब्वियसली, ये हेल्दी हैबिट्स प्रमोट करने की बात है। इसके लिए हम हमेशा हैंड्स ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं लाहौर कलर्स के साथ, और मैंने बहुत से और लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से और जिस खिदमत के जज्बे से जिस तरीके से राजा आतिफ साहब काम करते हैं, फ्रेंकली मैं इनका बहुत बड़ा इस लिहाज से एडमायर हूँ। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। आतिफ जवेद साहब जिस तरह हर टाइम, लास्ट टाइम भी जब लाहौर में बैटल ऑफ लाहौर करवाने लगे थे तो उस टाइम भी जिस तरीके से आप जील के साथ ये काम कर रहे थे, और हमारे प्लेयर्स, मैं स्पेशली शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि शाहीन अफरीदी हों, हारिस रऊफ हों, कि ये हमारे हीरोज हैं, रियल हीरोज, और पूरा पाकिस्तान इनको 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 सलाम करता है। अगर मैं भी शाहीन साहब से बात कर रहा था, अगर पाँव इनका ठीक रहता तो हम मैच भी जीत जाते, तो ये जस्ट एक ऑफ द कफ बात था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, खेल का हिस्सा है। हेल्दी लाइफ स्टाइल के ऊपर, स्पोर्टिंग लाइफ स्टाइल के ऊपर, आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो स्टंटिंग का प्रॉब्लम है, जो मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, 40% 5 साल से कम जो बच्चे हैं वो 40% से ज़्यादा स्टंटिंग का शिकार है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे और नौजवान ना सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ आएँ बल्कि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी पूरा किया जाए और वो ऐसी चीज़ें खाएँ घरों के अंदर और बाहर जहाँ पर न्यूट्रिशन जो है उनकी पूरी हो सके। तो इसी रेफरेंस आज हम यू साइन करेंगे हम आपस के अंदर, और हम ये तैयार करेंगे कि हमने स्पोर्ट्स को फ़रोग देना है, हमने हेल्दी लाइफस्टाइल को फ़रोग देना है। हमने अभी हेल्थ चैंपियन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कल ही हमने इसको स्टार्ट किया और आज वो भी हम साथ शामिल कर रहे हैं स्कूलों के अंदर। हम मुख्तलिफ स्कूल्स में जा रहे हैं डेली बेसिस पे, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट वो जाके वहाँ पर बच्चों की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं।